Said everyone, Aaron is a picture of an intercessor. सभी लोग कहें, हारून यहाँ प्रार्थना बिंदी करने वाले व्यक्ति का चित्र है. Who prays for people. जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है. If you really love your husband, अगर सच में आप अपने पति से प्यार करती हो, you'll pray for him. तो आप उनके लिए प्रार्थना करोगे. You'll pray for him. आप उनके लिए प्रार्थना करोगे. Because there are many spirits trying to attack your marriage. क्योंकि बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो आपके शादी पर हमला करने के लिए break your marriage. आपकी शादी तोड़ने के लिए. Spirits of adultery. और आदमी तो अपने व्यभिचार. Spirits of fornication. और गंदे कामों की आत्मा. Pray. प्रार्थना करें. Pray. प्रार्थना करें. Listen carefully what I'm saying. ध्यान से सुनिए जो भाई कह रहे हैं. Children. बच्चे. Today we are in a house. आज हम घर में हैं. We did not. It's a grace of God. ये परमेश्वर का एक अनुग्रह ही तो है. That our parents are together. We are in one house. कि हमारे माता-पिता एक साथ हैं. हम एक घर में रहते हैं. I've been in families. ऐसे परिवारों में भी गए हैं भाई. Where the children are crying. जहाँ बच्चे रो रहे हैं. मम्मी, मम्मी, मत मारो, मम्मी. I can hear the sound of the phone. और फोन पर भी आवाज को सुन सकते हैं. मत छोड़ के जाओ, मम्मी, मम्मी, don't leave. I can hear it on the phone. और भाई सुन सकते हैं फोन पे. The plague has started. महामारी शुरू हो गई. What can stop the plague? क्या चीज उस महामारी को रोक सकती है? Intercession. प्रार्थना बिनती. Oh, I love this boy. I love this girl. Hey. If only I can get married na. अगर सिर्फ मेरी शादी हो जाए ना. All my problems will be gone. मेरी सारी समस्या चली जाएंगे. You're a dreamer. तुम सिर्फ सपना देखने वाले व्यक्ति हो. Wake up. नींद से जाग उठो. Tell your neighbor, wake up. अपने पड़ोसी को बोलो नींद से जाग उठो. Intercession. प्रार्थना बिनती. Intercession. प्रार्थना बिनती. मेरे घर में कुछ किया है. अरे किया है तो उसे तोड़ दे यीशु के नाम से. Are you listening? क्या सुन रहे हैं? Stop all this नाटक. ये सारे नाटकों को बंद करो. Aaron ran with the incense. और हारून जो था धूप को लेकर भागा. Somebody say I will intercede. कोई कहेगा मैं प्रार्थना विनती करूंगा. तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए. हमारे जमाने में ऐसे चीजें नहीं हुआ करती थी. आज जो लोग फोन खोलते हैं तो कोई आती है ऐसी. कपड़े कम. What she? अब लोग स्वर्ग में रहते क्या? Our children, कार्टून देखते हैं, डोरेमोन. उसमें कोई बीच में आता है इंटरनेट पे. एडी ये क्या है? ए, चक, इंटरनेट. Children asking questions in the games. People are putting ads to trap our children. Wake up! आज नींद से जाग उठो. The plague has started. महामारी शुरू हो चुकी है. Men are sleeping with men. और आदमी जो है मर्दों के साथ सो रहे हैं. One lady wrote to me. एक महिला लिखा. My husband doesn't love me anymore. और मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता. I said, don't worry, I bind that other strange woman. She said, no, it's not a woman. कोई बात नहीं उस अजीब महिला का बांध. तो वो कहने लगी नहीं वो कोई महिला नहीं है. It's a man. वो एक मर्द है. Plague has started. महामारी शुरू हो चुकी है. I'm telling you. कहते हैं आपसे. All you have is to pray. Oh God, save my husband from the woman. Save the husband from the chikni chori. But now, we have to pray. हमें प्रार्थना करनी जरूरत. The plague has started. महामारी शुरू हो चुकी है. Engineering students write to me. I was sexually abused in My college, I feel like committing suicide. और इंजीनियर के जो विद्यार्थी लिखते हैं कि हमारे कॉलेज में हमारा शोषण हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि हम खुदकुशी कर लें. No. नहीं. Hello, are you listening? बच्चे, जवान बच्चे, उनको रैगिंग के नाम पर उनका रेप किया जाता है. पूछो मेरे से. I get emails. मैं सच बोल रहा हूं. क्या पेरेंट्स करेंगे? What will parents do? माता पिता क्या करेंगे ऐसे में? क्या कर सकते हैं? I'm telling you, church. कहते हैं आपसे कलीसिया. Don't take this message lying down. इस संदेश को हल्के में मत लो. Go to verse 48 quickly. जल्दी से 48 वचन में देखेंगे. But God gave me this prophetic word. I'm finishing now. और भविष्यवाणी का वचन प्रभु ने दिया है आज खत्म करने जा रहे हैं. Isaiah 48. Number 16:48. हरी आप. गिनती का 16 अध्याय उसका 48 वचन जल्दी से. See what it says. And Aaron stood between the dead and the living, and the plague was stayed. और वह हारून जाकर मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ तब महामारी थम गई. Aaron stood between the dead and the living. वहां पर हारून जाकर मुर्दों और जिंदा लोगों के बीच में खड़ा हुआ. He's standing with the incense. और वो धूप लेकर खड़ा था. The dead are falling. और मर रहे थे वहां पर लोग. And the plague is coming. और महामारी आ रही थी. But he's standing over there. और मगर जाकर वो खड़ा हो गया. An intercessor. एक प्रार्थना विनती करने वाला. Not only stands between God and man, he stands between the devil and man. Hallelujah. सिर्फ परमेश्वर इंसान के बीच में नहीं, शैतान इंसान के बीच में भी वो खड़ा होता है. I repeat.
फिर से दोहरा था। Who is an intercessor? ये प्रार्थना विनती करने वाला कौन है? Intercessor is not only a person who stands between God and man. No, no, no. I got another definition. An intercessor is a man who stands between the devil and a man. Hallelujah. प्रार्थना विनती करने वाला इंसान से परमेश्वर मनुष्य के बीच में ही नहीं खड़ा होता है। और एक परिभाषा बताना चाहते हैं कि प्रार्थना विनती करने वाला इंसान जो होता है वो शैतान और इंसान के बीच में भी खड़ा होता है। He looks at the devil in the face. Hallelujah. और शैतान सीधे उसके चेहरे पर देखता है। As a devil, okay, शैतान, as long as I'm standing, जब तक मैं खड़ा हूँ, you cannot touch my family, hallelujah, मेरे परिवार को छू नहीं सकता, hallelujah, as long as I'm standing, जब तक मैं खड़ा हूँ, you cannot touch my children, तू मेरे बच्चों को नहीं छू सकता, are there any intercessors in the house, shout a hallelujah, क्या कोई प्रार्थना करने वाले घर में है, चिल्ला hallelujah, 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 शैतान, you can't touch my wife. तू मेरी पत्नी को छू नहीं सकता। You can't touch my children. तू मेरे बच्चों को छू नहीं सकता। God is looking for such people. परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है। Hello. ये पिक्चर वाला रैम्बो को नहीं, असलियत में रैम्बो चाहिए। Come on, rise up, church. चलो कलीसिया उठेंगे आज। Fathers, rise up. Don't sit on the internet till 3 o'clock watching some stupid soap. रात के 3 बजे इंटरनेट पर मैं कुछ गंदी चीजों को देखते मत रहो। सोप नहीं, सीरियल गंदी नहीं, अच्छे लोग जिस चीज देखते, मैं गंदा नहीं देखता, अच्छा देखता हूँ। क्या अच्छा देखता तू? मैं एक सीरियल देखा, एक औरत कैसा बात कर, ऐसा बात करती है। तो बोला कौन पागल है क्या? बोलते नहीं, ये हिट सीरियल है। अच्छा, ऐसा बात करता है? आई डोंट नो व्हाट इज दैट, समबडी वाचिंग इट। आई सेड व्हाट्स रॉन्ग विद हर, वी ऑल आल्सो वॉच इट, आई थिंक शी इज सम क्रेजी। आई सेड यू वाचिंग क्रेजी पीपल, यू विल बिकम क्रेजी। एंड दे सेड व्हाट इंटरेस्टिंग है, आप भी बैठो पास्टर। आई सेड गो टेक अ वॉक, I'd rather see the glory of God. इसके बजाय मैं परमेश्वर की महिमा देखना पसंद करूंगा। I said, bring her to my meeting. We'll pray for healing. उसे हमारी सभा में लेकर आ, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। You watching that? ये सब तुम देखते हो? Watch cartoon. मोटू पतलू. That is better. It's not good. क्या क्या बताते हो उसमें? अच्छा है वो. उससे तो अच्छा मोटू पतलू है. God heal our minds, Sukha. And one fellow is sitting at 3 o'clock in the night watching. Bola, last time miss kiya tha na, isliye dekh raha hu main. And when the attack comes, what will you do? Aur jab hamla aata hai to kya karenge aap? What will you do? Our young children. Hamare naujawan log. अच्छे दिखते हैं, अच्छे सुनते हैं, शैतान उसको खींचना चाहता है। देखो कितने हैंडसम लड़के लोग यहाँ पर, कितने हैंडसम बच्चे लोग बैठे हमारे। नहीं नहीं है क्या हैंडसम? बोलो यार, ये देखो हैंडसम लोग बैठे हैं। You guys are handsome, but what will stop you? What will stop the devil? क्या चीज शैतान को रोकेगी? अगर डाउट है तो मिरर फ्री है। देखो आप लोग हैंडसम हैं, आप लोग अच्छे दिखते हैं। सुनिए, यस प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। द प्लेग, महामारी, व्हाट विल स्टॉप द डेविल फ्रॉम अटैकिंग योर हाउस इज समबडी हु कैन स्टैंड बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। क्या चीज शैतान को रोकेगी आपके घर पर हमला करने से, अगर कोई खड़ा हो जाए जिंदा लोगों और मुर्दों के बीच में? रिंग पहनना काफी नहीं रे, रिंग 25 रुपए मिलता है। रिंग पत्रा इधर डालना फायदा नहीं है। प्रार्थना करो, तुझे मंगलसूत्र नहीं है। If there is no intercessor, अगर कोई प्रार्थना विनती करने वाला ना हो, listen to this prophetic word, इस भविष्यवाणी के वचन को सुनो, people will perish, तो लोग नाश हो जाएंगे। Pastors, पासबानो, if you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, people will perish, लोग नाश हो जाएंगे। Worship leaders, आराधना के अगुओं, if you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, people will perish, लोग नाश हो जाएंगे। When you come on the stage, जब आप मंच पर आते हैं, you must be crying before God, आपको परमेश्वर के लिए पुकारना हो, let my song touch the people. कि मेरे गाने जो है लोगों को छुए। God, परमेश्वर, I am a crow, मैं तो एक कौवा हूँ, but let me sing for you, God, मगर होने दो कि मैं आपके लिए गाऊं। That when I crow, the glory of God will touch somebody. कि जब मैं उसके जैसा गाऊं भी तो परमेश्वर की महिमा लोगों को छुए। कितने लोग सुन रहे हैं? Intercessors, प्रार्थना विनती करने वाले। There is no title for an intercessor. It's not only pastors who pray in the church, in this ministry, and everyone who's listening,
We all must be people of prayer. वैसे पासबान ही नहीं मगर हम सबको प्रार्थना करने लोग होने चाहिए. सब जन बोलिए an intercessor. सभी लोग कहें मुर्दों और जीवित लोगों के बीच में खड़ा रहता है. आपका बिजनेस के लिए आप इंटरसेशन करो. शटर खोलने से पहले 10 मिनट घुटने पे जाके प्रार्थना करना. वो महामारी आपके बिजनेस को नहीं छुएगी. कितने लोग सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? How many listening right now? God told me how important intercession is. So he told me last year, he said, Michael, from 7 a.m. to 9 a.m. every day, Monday to Saturday, you will have intercession. और प्रभु ने इनसे कहा कि देखो कितना महत्वपूर्ण है कि सुबह के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हर दिन तुम्हें प्रार्थना विनती रखनी है. Then let people go to work. और उसके बाद लोगों को काम पे जाने दो. God is talking to you. और परमेश्वर से बात कर रहा है. Hallelujah. और हालेलुया. आपके टांग में कोई तकलीफ है? आपकी टांग में तकलीफ है? Who is that person? Lift your hands. अपना हाथ ऊपर उठाओ. Come here. Whose hands or leg problem? You? Ah, come on, sir. I told you. Come on. Ah, yeah. That's it. Did you tell me? Have you ever met before? No. Who is this God who knows what is under your clothes? कौन परमेश्वर है ये जो आपके कपड़े के नीचे क्या ढका हुआ है वो भी जानता है? Yes, God. His name is Jesus. उसका नाम है यीशु. Stand up. Stand over there. Hallelujah. Sister, I see you writing somewhere. मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं कुछ लिखती हो. I see you writing somewhere. Wait. कहीं पर कुछ लिखते हो. Where are you working? I'm not working. I know. But you are an educated person. अगर आप पढ़ी लिखी महिला हो. Talk to me. बोलो. Yeah, I did well. Yes, you're not like failed, fifth no. fail, sixth fail. No. You are an educated woman. Yes. Yes. You're an educated because I see you writing with a pen. But I'll also tell you, you're not writing on anything. I saw you writing somewhere here and there. Little job here, little job here, little job there. Talk to me first. Yes. What? Yes. I did working with taking care of small babies. Ah, here there. Small. But today God says to you right now. In 3 hafton mein God is going to do something supernatural for you in the area of your finances in Jesus name. The curse break over your life right now in Jesus name. Shab aap kisi din tut jaye isi waqt Yeshu ke naam mein. Somebody give Jesus a shout. Koi da Yeshu ko sun ke bhej chadhayenge. What's your daughter's name? I don't have children. Wait. What's your daughter's name? I don't have children. Name your daughter first. I said name your daughter. What's your name? Jesus, can I move to somebody else? Can I move to somebody else? How many years you're married? 2 years, 1.5. Name your daughter. I see you carrying a baby girl in Jesus' name. Hallelujah. Amen. I see Rachel coming. Who is Rachel in your life? I see Rachel coming. Thank you. Who is Ronnie? Do you know anyone called Ronnie?
Something Ron, something like that. I'm not interpreting it right. My cousin brother, he lives in Dubai. Ronnie. Wait. I'll tell you about it. Is he married? Yes. How many children he has? He don't have children. Tell him. He's also getting a baby girl. Shout out, hallelujah! Yeah! Somebody behind over there called Moses. Anybody called कोई Moses? पीछे वहाँ पर किसी का नाम Moses है? I see somebody called Moses right at the back. और सीधे पीछे किसी का नाम Moses है? Moshe. Who's Moses? Moshe. Pasa. The Lord is healing you. प्रभु आपको चंगा कर रहा है. The Lord is healing you. प्रभु आपको चंगा कर रहा है. It's like you are praying for some healing to happen in your body. जैसे कि आप अपने शरीर में कोई चंगाई होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. What healing are you praying for? क्या चंगाई पाना चाहते हैं? I have a swollen testicle. Yes, you are praying for a healing in your body. आप अपने शरीर में चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो. And as if I tell you what, there's बताना चाहते हैं. There's a healing. It's like a skin. I can see a skin. It's like this. It's देख सकते हैं. Yes. Yes. Yes, you are praying for a healing. आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो. Yes, did you tell me about it? No, I didn't tell. I was just praying behind. Now, who's this God who tells you what's? कौन है ये परमेश्वर जो आपको बता देता है? Jesus. यीशु. I'll tell you. और बताते हैं. The problem why it started. तासा तारा माधेरी. और समस्या कहाँ से ये शुरू हुई? This is attack of the enemy over your life. और ये शत्रु का आक्रमण था आपके जिंदगी पर. The devil tried to attack you. शत्रु ने कोशिश की आप पर हमला करने की. It's like some worm. ऐसा जैसा कुछ कीड़ा जैसा. I don't know. I saw in the spirit. मैंने आत्मा में देखा. I saw in the spirit right now. आत्मा में देखा ऐसा इस वक्त. It's like a worm. ऐसा कीड़ा जैसा है. That's entered your skin. जो आपके चमड़ी में आ गई. And the Lord says, I'm removing that worm today. It's drying up right now. I command healing to flow in Jesus' name. प्रभु कहता है उस कीड़े को मैं निकाल रहा हूं और वो मर रहा है, सूख रहा है. यीशु के नाम में मैं आदेश देता हूं, चंगाई बहे इस पर. आमोलो हेरे महादला महादा. यस लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड. आई कमांड हीलिंग टू फ्लो इन जीसस नेम. आदेश देता हूं, चंगाई बहे यीशु के नाम में. टच दैट प्लेस, टच दैट जगह को छुओ. टच दैट प्लेस. This sister's name is Anita Gupta. She comes from Navi Mumbai. ये बहन का नाम अनीता गुप्ता है, नवी मुंबई से आती है. She says she regularly attends the family blessing meeting. और ये लगातार पारिवारिक आशीष की सभा में आती है. Last Monday she says as she was riding her scooty with her daughter. Scooter. Okay. और गए सोमवार को ये स्कूटी पर जा रही थी अपनी बेटी के साथ. A car dashed her scooty and they both fell down on the road. और इनका एक्सीडेंट हुआ, एक कार ने उनको मार दिया. This accident was approximately at 11:30 a.m. और ये सुबह 11:30 बजे के आसपास हुआ. She was fully unconscious for almost 6 hours. Jesus, 6 घंटे तक ये बेहोश पड़ी थी. Six hours? Yes. Hey, wait a minute. You send me the photograph to pray over. She's the one. 12:30 को. हाँ, you know. ऐसा सब. Okay. But even in the unconscious state, she opened her eyes at 5:30 p.m. और 5:30 बजे के आसपास उन्होंने अपनी आंखें खोली, फिर भी उनको पूरी तरीके से होश नहीं आया था. एंड शी सेंस दैट शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड ब्रदर माइकल. और ये ऐसा कहती है कि उनको लगा था कि सो गॉड सेंड हिज एंजल. भाई माइकल इनके पीछे खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा. शी इज हियर टू टेस्टिफाई दैट शी डिडंट हैव एनी मेजर इंजरी. इनको कोई भी गहरी चोट नहीं लगी, कोई भी बड़ी चोट नहीं लगी. कॉन्शियस फॉर 6 आवर्स, नो मेजर इंजरी. सी 6 घंटे तक बेहोश पड़ी थी. दैट्स हर. Wow. Yes, go ahead. Except a single stitch came on her chin. उनके जो चेहरे पे एक छोटा सा स्टिच हुआ. And she is completely healed. Wow, this is amazing. उनको चंगाई मिली. And you stand on Monday to give your testimony. Wow. बहुत बढ़िया. Tell your neighbor, if God protects you, अगर परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, what can come against you? तो आपके खिलाफ में क्या आ सकेगा? Hallelujah. जब प्रभु तेरा साथ है, बचाने वाला मारने वाले से भारी है. हालेलुया. सुन रहे हो ना? पाजे वाले को बोल, डर मत, तेरा खुदा तेरे साथ है. अनीता कम यहां. हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव अनीता? कितने बच्चे हैं? 3 children. Yes. 3 children. व्हाट आर दे डूइंग? ब्यूटीशियन जॉब. वो बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं. लिफ्ट योर हैंड. फादर इन जीसस नेम. पिता यीशु के नाम में. I bless these children in Jesus' name. उनके बच्चों को आशीष देते हैं यीशु के नाम में.
May your children, may your family be a blessing in Jesus' name. आपके बच्चे, आपका परिवार आशीष बने यीशु के नाम में. God's people said. और परमेश्वर के लोगों ने कहा. Amen. You will be used to spread the gospel. आपको इस्तेमाल किया जाएगा सुसमाचार को फैलाने के लिए यीशु के नाम में. This sister's name is Archana. ये बहन का नाम अर्चना है. She's been attending the Karuna Sadan meeting for. Do you have another sister? No, I have cousin, but I don't have a real sister. Don't have a real sister. No. Who is that girl in your family? My cousin Aditi is there, and other one is Anurag. Aditi, I got a name like Arti or something like that. Aditi. Yeah. Yes. I have been praying for her after coming here quite a lot. Yes. Yes. She's going to turn to the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Praying so much for her, I just can't explain. You've been praying for her to turn to the Lord. Yes. She'll be coming to you really with you to the out. Meeting next Monday in Jesus' Amen. Name. I need to develop that ear because it's Arti, it's Aditi. You've been really praying for her. God has heard you. Go. Thank you for testimony. You came to give your testimony. You got a prophetic word. Huh? Wow. I just want to share quickly, like in the month of November, I had this problem. Like, you know, I got my regular menses, but she कहती है कि इनको मासिक धर्म की समस्या थी. It had never happened to me, and it went on for 2 months. और 2 महीने तक इनको ये हो रहा था. And this was the first time it had ever happened to me. और ये पहली बार इनको ऐसा हो रहा था कि लगातार 2 महीने तक इनको जो मासिक धर्म की समस्या थी, 2 महीने तक लगातार इनका खून बह रहा था. And I went to see a doctor because people said maybe this is a PMS, this and that, different theories. But I was wondering what it could be. I went to see a doctor. और ये कहती है कि ये डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि ये PMS की समस्या हो सकती है. I took the medicines, but it wasn't working. और ये कहती है कि दवाई भी इन्होंने ली पर कुछ फर्क नहीं पड़ा. I took the anointing oil and started applying on my belly, stomach, and started confessing the blood of Jesus upon it. और इन्होंने अभिषेक के तेल का इस्तेमाल किया, अपने पेट पे लगाया और यीशु मसीह के लहू के अंदर प्रार्थना करती गई. And recently in Jan itself, I went for my sonography, for the regular sonography. और जनवरी के महीने में इन्होंने सोनोग्राफी की. I went to see a doctor. और ये डॉक्टर के पास भी गई. For the review, she checked my report and she said it's excellent and you never have to come back again. और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया. डॉक्टर ने बोला कोई What's the report? That's the doctor's report. Watch the screen. What's the screen? Put it on the screen, please. There. और यहाँ पे स्क्रीन के दे सकते. No evidence of free fluid in abdomen, pelvis. No significance abnormality noted. That's Jesus. यीशु का काम है. It's amazing. अद्भुत. And also in trauma care hospital, my uncle is admitted where I witnessed about your teaching about applying the blood of Jesus on the ears, nose, mouth to one of these ladies. She doesn't come to Karuna Sadan Ministry. But she took it by faith. She went and did it to her husband who met with an accident and has fractures in both the legs. And he started manifesting after that. And now he's like much, much better. Wow. See that? So those teachings were like really spread it's it the out. The blood of Jesus. All glory to the Master. Hallelujah. The King of Kings and the Lord of Lords. Somebody shout Jesus. One last quick this thing for this 21 days fasting and prayer that you had encouraged us to do. First time I did that, I read the complete book. Wow. और ये कहते हैं कि 21 दिन के उपवास प्रार्थना में इन्होंने पूरा पुस्तक पढ़ के प्रार्थना किया. And I was just praying for one very important thing that the corruption in my office should be broken off, whosoever is producing wrong bills and doing vendor corruption and all. And it so happened that surprisingly, 2 of the senior managers got sacked. Sacked! Hallelujah! It's a time for sacking! Hallelujah! प्रार्थना कर रही थी कि इनके ऑफिस में भ्रष्टाचार का नाश हो और ऐसे ही हुआ. 2 सीनियर मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया. Today we heard testimony of sack sack. Hallelujah! और आज हम गवाहियों को सुन रहे हैं जो उच्च पद के लोगों को दफा कर दिया जाना, निकाल दिया जाना. Nobody knows how it happened and there is like a fear that fell and it was the same manager who was trying to create a case against me 2 years ago. और किसी को खबर भी नहीं पड़ी कि ये कैसे हुआ. ये वही मैनेजर है बताती है कि जो इनके खिलाफ में केस करने वाले थे 2 साल पहले. Every person that rises against God's children be cut off in Jesus name. हर एक लोग जो परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ में उठते हैं काटा ले जाए यीशु के नाम में. Let them know God will promote his children. I told you in this year enough is enough. Hallelujah. God is saying enough is enough. My children have been forsaken, my children have been lied, but now I will show you who's the boss. Hallelujah. Aur mere bachcho ko tyaga hua, unhe jhoote aarop mein phasaya gaya, magar abhi main dikhaunga sari duniya ko ki kaun boss hai. Hallelujah. Hallelujah. I just want to thank God and it is Jesus. Hallelujah. Yeshu ka hi kaam hai. Glory to the boss. Hallelujah. Mahima hamare boss ko mile. Hallelujah. God bless you.